कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सालों पुरानी होने के बावजूद लोगों के दिलो दिमाग में छाई रहती हैं। ऐसी ही एक फिल्म है आनंद। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की ये फिल्म आज भी सदाबहार है। 12 मार्च 1971 को रिलीज हुई ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म के गाने से लेकर डायलॉग तक आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। अपने जमाने की ऐसी सुपरहिट फिल्म आनंद की 12 मार्च को गोल्डन जुबली थी, यानी इस फिल्म को पूरे 50 साल हो गए। इस क्लासिकल फिल्म को लेकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी अपनी पुरानी यादें शेयर की हैं। जिस वक्त ये फिल्म आई थी उस दौर में आनंद महिंद्रा महज 15 साल के थे और ये फिल्म उन्होंने सिर्फ 5 रुपये में देखी थी। खुद के नाम पर बनी सुपरहिट फिल्म आनंद के 12 मार्च को जब 50 साल पूरे हुए तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले आनंद महिंद्रा ने इससे जुड़ी यादें शेयर करते हुए इस फिल्म की एक क्लिप पोस्ट की और लिखा, मैं 15 साल का था और आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि आनंद नाम से एक फिल्म सुपरहिट हुई थी। आनंद महिंद्रा ने फिल्म आनंद से जुड़ी हुई यादें शेयर की तो टोनी मोंटाना नाम के एक यूजर ने उनसे पूछा कि सर टिकट कितना था तब, जिसके जवाब में आनंद महिंद्रा ने लिखा, अच्छा सवाल है, मैं समझता हूँ करीब 5 रुपये। जिस आनंद फिल्म के बारे में आनंद महिंद्रा बात कर रहे हैं इसी फिल्म से जुड़ा एक किस्सा खूब मशहूर है। दरअसल फिल्म में किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में बताया जाता है कि 1971 में जिस दिन आनंद फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन अमिताभ बच्चन मुंबई के विले पार्ले के इरला इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप पर अपनी कार में पेट्रोल भरवाने गए हुए थे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं पहचाना, जिसके बाद उसी दिन शाम को अमिताभ बच्चन दोबारा उसी पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचे तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उस पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लग गई थी। बड़ी मुश्किल से अमिताभ बच्चन वहां से निकल पाए थे। अमिताभ बच्चन ने साल 2019 में खुद बताया था कि ये बात बिल्कुल सच है और जिस पेट्रोल पंप की बात हो रही है वो स्वामी विवेकानंद रोड यानी कि SV रोड पर स्थित है। इस फिल्म के बारे में बताया जाता है कि आनंद के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद राजेश खन्ना नहीं बल्कि किशोर कुमार थे। किशोर कुमार के मना करने के बाद निर्माताओं ने एक्टर महमूद से भी बात की थी, उन्होंने भी मना कर दिया, जिसके बाद निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना को लीड रोल के लिए फाइनल कर लिया। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने आनंद सहगल का किरदार निभाया था जो कैंसर से पीड़ित एक खुश मिजाज व्यक्ति होता था, तो वहीं अमिताभ बच्चन ने उनके दोस्त डॉक्टर भास्कर बनर्जी का रोल प्ले किया था जो फिल्म में उनका इलाज करते हैं। फिल्म में आनंद सहगल उन्हें बाबू मोशाय कहकर बुलाया करते थे। अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म को नेशनल अवार्ड के साथ साथ बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट डायलॉग समेत करीब 6 अवार्ड मिले थे। बहरहाल इस आनंद फिल्म से जुड़े कौन से डायलॉग या फिर गाने आपको पसंद हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।